हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स के एक कंसेप्ट रे ऑप्टिक्स के ऑलमोस्ट लास्ट लेक्चर रखेंगे। इसमें हम आए कि ये वाटर है, एक हम हेमिस्फेयर बनाए हैं जिसका आपको हाइट दे दिया है, एच है। इसमें हम क्या कर दिए, वाटर फिल कर दिया, कुछ भी मटेरियल। लेट्स दिस इज वाटर। और एक्स डिस्टेंस पे इस ये प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। एक्स डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रख दिए, ये आपका है ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि फाइनल इमेज, मतलब इसका जो इमेज बने इस ऑब्जेक्ट का, जो कि एक्स डिस्टेंस पे ऊपर रखा गया है इस हेमिस्फेयर से, हेमिस्फेयर से आपको चाहिए कि इसका फाइनल इमेज उसी पॉइंट पे बने जहां ऑब्जेक्ट है। यानी कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट एट इट्सेल्फ। मतलब फाइनल इमेज जो बने वो यहीं पे बने। अब ध्यान से देखिए, दो चीज होगा यहां पे। पहले तो यहां से लाइट आएगा, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद फिर वापस से रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि दो चीजें, ये आपका है सिल्वर्ड पार्ट, ये आपका जो है कनकेव मिरर की तरह काम करेगा। दिस बिहेव्स लाइक ए कनकेव मिरर। सो यहां पे पहले रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि दो चीज है इस क्वेश्चन में, पहले रिफ्रैक्शन करवाइए और उसके बाद रिफ्लेक्शन करवाइए। और रिफ्लेक्शन करने के बाद जो फाइनल इमेज बने, फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट इटसेल्फ। उसका फाइनल इमेज उसी पॉइंट पे बने जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा गया। ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो अब हम ध्यान से देखते हैं इस कंसेप्ट को डील करने के लिए हम अप्रोच क्या यूज करेंगे। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फाइनल इमेज बने, और वो फाइनल इमेज जो बने, क्योंकि पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए, व्हेन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, व्हेन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बोथ टेक्स बोथ टेक्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक कंजर्वेटिव भी है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन टेक्स बोथ, जब दोनों हो देन, और आपको फाइनल इमेज चाहिए, वो भी कहां चाहिए, जहां पे ऑब्जेक्ट है। फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इटसेल्फ, मतलब ऑब्जेक्ट जहां है वहीं पे इमेज चाहिए। तो जब रिफ्रैक्शन हो और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा हो और आपको फाइनल इमेज चाहिए वहीं पे जहां पे ऑब्जेक्ट है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन होगा, पहले यहां से रिफ्रैक्ट करके लाइट पहुंचेगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इमेज शुड बी फॉर्म्ड, इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कंकेव मिरर। ये कंकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, एट द सेंटर ऑफ दिस कंकेव मिरर। कंकेव मिरर, हाँ, तो ये क्या कह रहा है, ये पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही कंसेप्चुअल पॉइंट है। When refraction and reflection both takes
बोथ दोनों एक साथ हो आफ्टर रिफ्रैक्शन, मतलब पहले जो रिफ्रैक्शन होगा यहां से लाइट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो क्या हो, आफ्टर रिफ्रैक्शन इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कनकेव मिरर। ये देखिए आपको कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा, कनकेव मिरर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इस कनकेव मिरर के सेंटर पे। अब ध्यान से देखें, पहले रिफ्रैक्शन होगा, अब रिफ्रैक्शन होगा ध्यान से देखिए, ये आपका h दिया हुआ है, h यहां से आपका हाइट दिया हुआ है, ये आपका x है। तो हम रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन एट द सरफेस ऑफ वाटर, इस वाटर सरफेस पे करें रिफ्रैक्शन एट एट द सरफेस ऑफ वाटर, इस सरफेस करेंगे तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू डेट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय कैपिटल आर। अब ध्यान से देखिए इमेज कहां पे बनाना है, इमेज हमको पता है कि इमेज हमको बनाना है उसके, समझिए कि सेंटर पे बनाना है, यानी कि यहां पे हम कहीं ना कहीं बना देते हैं। इसका h हाइट दिया हुआ है तो यहां से आप अगर निकालें तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस आपका आ जाएगा, ये पूरा ये r है, समझिए कि ये हेमिस्फेयर है, ये हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, दिस इज द हेमिस्फेयर, ये आपका हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर जिसका रेडियस आपको कैपिटल आर है, ये हाइट आपको दे दिया है, ये हाइट आपका है कितना कैपिटल एच दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब इसे पुट कर दीजिए। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्स से इमेज कहां पे बने, इमेज बने उसके रेडियस पे ही बने, तो ये वाला है। अब इस प्लेन सरफेस से आप निकाले इमेज कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। तो लेकिन ये जो है प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, ये जो सरफेस है वाटर का सरफेस है बिहेव लाइक ए प्लेन मिरर, ये आपका समझिए कि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर। अब इसमें क्या है, अब प्लेन मिरर का आपको पता है कि रेडियस क्या होता है, इंफिनिटी। याद रखिएगा प्लेन मिरर जो भी रहे उसका रेडियस होता है इंफिनिटी, हम प्रीवियसली बता भी चुके हैं, यानी इसका अगर रेडियस की बात करें ये प्लेन मिरर पर, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है और वाटर है, वाटर किस तरह से बिहेव करेगा, प्लेन मिरर की तरह, प्लेन मिरर। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू दिया हुआ है, प्लेन मिरर का रेडियस होता है इंफिनिटी, ये हमेशा याद रखेंगे। अब एक लाइन में आपका आंसर है, अगर आप ये कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, यहां पे आएगा, यहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, क्या होगा ये कुछ एंगल बनाएगा, समझिए कि कुछ एंगल बनाया दैट इज द आई, और यहां से इसको सीधे निकालना चाहिए था लेकिन नॉर्मल के तरफ थोड़ा सा बेंड करेगा, बेंड किया थोड़ा सा, ये हुआ आपका आर, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कीजिए और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। अगर ये 90 डिग्री यहां पे शो कर रहा है तो जब भी 90 डिग्री शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि इस 90 डिग्री कब शो करता है, जब वो उसके सेंटर से आता है। तो इसको थोड़ा सा बैक कीजिएगा और यहां से थोड़ा सा मिलाइएगा कि ये कुछ ऐसा बनेगा, इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये आई डैश पे आएगा, तो यानी कि फाइनल जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, उसके सेंटर पे बनेगा, तो सेंटर पे बनेगा। तो अब सिर्फ डिस्टेंस लगा दीजिए और आप आंसर मिल जाएगा। क्या किए हम, एक बार रिफ्रैक्शन करवाया, रिफ्रैक्शन करके यहाँ पे हम 90 डिग्री शो किए, दिस इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री कौन शो करता है, जो उस पर टेंजेंट होता है, और रेडियस जो होता है हेमिस्फेयर का वो उसके हर एक इंस्टेंट पे टेंजेंट होता है, और ये आपका 90 डिग्री शो कर रहा है। ये जब 90 डिग्री शो कर रहा है तो इसको अगर पीछे आप एक्सटेंड कीजिए तो आइडियल स्पेस का इमेज बनेगा, ये
आइडेस पे इमेज, ये इसका क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ दिस कंकेव मिरर, कंकेव मिरर मतलब पहला जो रिफ्रैक्शन हुआ उससे हम इमेज कहां पे शो करेंगे, यहां पे शो करेंगे। ये क्या है इसका सेंटर, क्योंकि रेडियस इसका कैपिटल आर है, ये आपका हेमिस्फीयर दिया हुआ है क्वेश्चन में। और यहाँ पे सिंपल सा बात है, बेंड कीजिए, यहाँ पे कुछ इंसिडेंट एंगल बना, फिर टुवार्ड्स द सेंटर, ये तो होता है कि जब मेरे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की कोई डेंसर मीडियम में जाता है तो टुवार्ड्स द, इसको जाना चाहिए था एक्चुअली में इधर, लेकिन थोड़ा सा इधर आ गया। अब ये जो है 90 डिग्री शो करवा दीजिए, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री कोई भी सर्कल है, सर्कल से रेडियस पे याद रखिएगा हमेशा 90 डिग्री बनता है, हमेशा 90 डिग्री बनता है, चाहे वो स्फीयर ही काहे नहीं हो, हमेशा 90 डिग्री बनता है हमेशा, यानी उसका रेडियस है, यानी कि ये जो है सेंटर है, किसका सेंटर है, ये जो कनकेव मिरर की तरफ बिहेव कर रहा है उसका। अब ध्यान से देखिए, आपको मिल जाएगा एक्स का वैल्यू, मतलब एक्स ही अननोन है, आपको कैपिटल एच दे दिया है, कैपिटल आर भी दे दिया है, एक्स कितना डिस्टेंस पे हम रखें, क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कितना डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखें कि उसका इमेज वहीं पे बने। क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि कितना डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट को रखें, यानी एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेस करेंगे, अब ध्यान से देखिए, म्यू टू दूसरे मीडियम है, म्यू टू उसका है, म्यू फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, फाइनल इमेज यहाँ बनेगा, तो ये कैपिटल आर है और ये एच है, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस एच, और ये ऑब्जेक्ट के साइड है तो निगेटिव होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू उधर है तो निगेटिव, तो निगेटिव आर माइनस एच, और इस एयर में है तो एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम ले लिए हैं एक्स, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड इधर वाले को हम निगेटिव लेते हैं, इस साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं। अब ध्यान देखिए, म्यू टू क्या है, म्यू माइनस वन, इसका अगर आप इस प्लेन मिरर का रेडियस क्या होता है, जैसे कि हम बताएं इन्फिनिटी होता है, तो ध्यान से देखिए यहां से आपको एक ही अननोन है, वो आपका एक्स, बाकी आपको कैपिटल एच भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैपिटल आर दिया हुआ है, बाकी आपसे बस एक ही अननोन है, यहां से आ जाएगा। ये प्रोफाइल जो क्वेश्चन का था वो हम छोड़ दिए थे, उसी को हम आज पूरा कर रहे हैं, तो यहां से अगर ले लीजिएगा तो एच माइनस ई आर हो जाएगा, निगेटिव साइन ये प्लस हो जाएगा, वन बाय एक्स डैट इज इक्वल टू, ये तो आपका जीरो होगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी डैट इज जीरो, यहां से अब एक ही अननोन बचा एक्स, तो वन बाय एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू बाय आर माइनस एच, तो यहां से एक्स का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस एच अपॉन म्यू, ये आपका हो गया एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू आपका क्या आ गया, यानी कि कितना डिस्टेंस पे रखने पे इस प्लेन मिरर से, यानी कि इस सरफेस से कितना डिस्टेंस पे रखने पे उसका इमेज वहीं पे बने, यानी फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इटसेल्फ एट द डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस क्या है आपका, कैपिटल आर माइनस एच बाय म्यू, यानी कि ये समझिए ये आपका है एक्स का वैल्यू, एक्स क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन मिरर, मतलब इतना डिस्टेंस पे रखने के बाद उसका इमेज वहीं पे बनेगा जहां पे ऑब्जेक्ट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर बराबर आपको दे दिया है 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यही है, व्हाट शुड द पिन बी प्लेस्ड ऑन द एक्सिस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस, मतलब पिन को हम किस पॉइंट पे रखें कि उसका इमेज उसी पॉइंट पे बने, सो वेयर शुड बी द पिन इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस, इस एक्सिस को समझिए, ये आपका एक्सिस है, इसके किस पॉइंट पे रखें, वेयर शुड द पिन बी प्लेस्ड ऑन द एक्सिस सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस, इफ कन्वेक्स पार्ट इज फिल्ड विथ, और दूसरा ये पार्ट ए में कह रहा है और पार्ट बी में कह रहा है कि इसको अगर हम वाटर से फिल करें, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, अगर हम कह रहे हैं कि इफ द कनकेव पार्ट इज फिल्ड विथ वाटर
फाइंड द डिस्टेंस, उसमें भी आपको डिस्टेंस चाहिए, वही एक्स का वैल्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम करवाए थे, फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच द पिन शुड बी मूव्ड सो दैट द इमेज ऑफ पिन अगेन कॉइंसाइड विथ पिन, मतलब कि पिन का इमेज वहीं बने कहाँ पे, जहाँ पे पिन रखा हुआ है. सो शुड बी फॉर्म्ड, इमेज शुड बी फॉर्म्ड अगेन द कॉइंसाइड विथ द पिन. ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि हम प्रीवियस इसके कंसेप्ट को हम देखे थे. तो अब ध्यान से देखिए, इसको आप क्या कर दिए, सिल्वर्ड कर दिए. तो एक का आपको R दिया हुआ है 60 और एक का दे दिया है आपका 20, यानी इसका आपको 20 दिया हुआ है. नीचे वाले को आप सिल्वर्ड कर दिए, उसका आपको 20 दिया हुआ है और आपको फाइनल इमेज चाहिए. क्वेश्चन ए में कह रहा है कि जब म्यू, म्यू के अलग अलग वैल्यू के लिए, सिंपल सा बात है, एक बार आंसर ले आए थे. अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन का कंसेप्ट याद रखे तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी है. जैसा कि अगर आपको आर दिया हुआ है तो आप यहां पे क्वेश्चन को देखते हैं, फाइनल इमेज वो कहां पे बनना चाहिए, इसके सेंटर पे बनना चाहिए. किसके सेंटर पे बनना चाहिए, ये सेकंड वाले के, यानी कि व्हेन व्हेन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, व्हेन रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन बोथ टेक्स प्लेस एंड फाइंड फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इटसेल्फ देन आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन इमेज शुड बी फॉर्म्ड, इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ, एट द सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मिरर, ये आपका जो भी है कन्वेक्स मिरर. जो भी आपका मिरर आइए इस क्वेश्चन को करते हैं. अब ध्यान से देखते हैं, इसमें सिर्फ अब पुट करना है कि जो फाइनल इमेज बने वो कहाँ बने. पहला बार जो रिफ्रैक्शन होगा, समझिए कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखें, लेट्स ऑब्जेक्ट ओ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट समझिए कि एक्स डिस्टेंस पे रखा गया है. आपको फाइनल इमेज कहाँ बनाना है, इसके सेंटर पे. किसके सेंटर पे, ये जो है ना, ये कनकेव मिरर की तरह ये आपको फील ला रहा है. इसके सेंटर पे, इसका सेंटर कहां पे होगा, यहां से कितना डिस्टेंस पे होगा, 20 सेंटीमीटर पे. अब सिंपल है, इसको पुट कीजिए, जब रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों हो और फाइनल इमेज वहीं पे बने जहां पे ऑब्जेक्ट हो, तो क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन के पहले बार, After refraction, image should be formed at the center of concave mirror. याद रखिएगा. अब सिंपल पुट कीजिए और पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट. सो आफ्टर
रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, और वो किससे रिफ्रैक्शन करवाना है, ये कनकेव मिरर, कनकेव लेंस। यहां से अगर हम करवाते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई बी माइनस म्यू वन बाई यू डेट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय कैपिटल आर। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला है, रिफ्रैक्शन कहां से करवा रहे हैं, ये कनकेव लेंस से करवा रहे हैं, और लास्ट में ये आपका समझिए कि मिरर है, ये भी आप समझिए कि मिरर की तरह काम कर रहा है, समझिए दोनों कनकेव है, कनकेव मिरर, ये कनकेव लेंस है और ये कनकेव मिरर है। अब ध्यान से देखिए, इसमें आप जब करवाइएगा, म्यू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, दो अलग अलग बार लगाएंगे क्योंकि एक बार म्यू ये दिया हुआ है, ए पार्ट में आपसे कह रहा है, ए पार्ट में आपको म्यू दिया हुआ है 1.5, और बी पॉइंट में क्योंकि 1.5 है तो ये ग्लास होगा, और दूसरे में आपके दिया है म्यू का वैल्यू 4/3 यानी कि ये वाटर होगा, यानी इसके बीच में एक बार वाटर भरेंगे और एक बार क्या कर रखेंगे, ग्लास। तो पहला है ए पार्ट है, ए पार्ट देख रहे हैं तो ग्लास होगा, तो म्यू का वैल्यू क्या होगा 1.5। फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, यहां से 20 सेंटीमीटर पे, याद रखिएगा 20 सेंटीमीटर इसका आपको रेडियस दे दिया है। तो आप ध्यान से रखिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको आप समझिए प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां से कितना होगा डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा इस प्रिंसिपल एक्सिस से 20 सेंटीमीटर, और सिंपल सा बात है इधर ही होगा कहीं ना कहीं इसका रेडियस, क्योंकि ये इस टाइप से रेडियस, तो रेडियस निगेटिव होगा -20 सेंटीमीटर माइनस म्यू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर ऑब्जेक्ट है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेट बी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम एक्स ले लिए हैं और वही हमको निकालना है, म्यू टू, म्यू टू 1.5 माइनस म्यू वन 1, और रेडियस इसका क्या होगा, इसका रेडियस ये कनकेव लेंस का, तो इसका रेडियस आपको कितना दे दिया है 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, इसका भी होगा तो निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि इस साइड को हम निगेटिव लेते हैं, जिधर ऑब्जेक्ट रहता है उधर निगेटिव, इधर इस साइड को पॉजिटिव, तो यहां रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं तो यहां से डिस्टेंस देख रहे हैं, यहां से एक्स डिस्टेंस, तो यहां से आपका। अब ये मत पूछिएगा कि ये डिस्टेंस का क्या किए, ये बहुत ही कनकेवो कन्वेक्स मतलब बहुत ही स्लाइटली चेंज है, इसीलिए ये डिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो यहां से आपका एक ही अननोन बच जाएगा, और ये निगेटिव इसलिए होगा क्योंकि इसका कहीं ना कहीं सेंटर इधर ही होगा, सेंटर उधर होगा, उधर को हम निगेटिव ले रहे हैं, इधर को सिंपल सा बात है, यहां से आप रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं ये सरफेस, अगर इस सरफेस को नाम दे देते ए बी तो रिफ्रैक्शन आप कहां से करवा रहे हैं, और अगर इसको ओ दे देते हैं कुछ देर के लिए तो ए ओ बी से आप रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं तो यहां से एक्स डिस्टेंस पे होगा, तो यहां से ये वाला डिस्टेंस आप कंसिडर नहीं करें क्योंकि ये बहुत ही थिन है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में थिन कनकेवो कन्वेक्स। देखिए अब इसमें हम देखते हैं थिन कनकेवो, ध्यान दें क्वेश्चन में लिखा है कनकेवो कन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे हम मिरर लिखे हैं तो कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि वहां लेंस है और लेंस को हम मिरर बना रहे हैं तो हम यहाँ पे अलग चीज लिखे हैं, वरना क्वेश्चन में सही है कन्वेको कनकेवो कन्वे, और भी लिखा हुआ क्वेश्चन में थिन थिन कनकेवो कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, तो उस चीज पे आप नहीं जाइए। अब ध्यान से देखिए, यहां से एक ही अननोन बच जाएगा वो x है, x का वैल्यू अगर आप ले हैं तो यहां से आपका आ जाएगा 1.5, इसको 3/2 लिखते हैं, ये आ जाएगा नेगेटिव साइन 3/40 माइनस 1/, और नेगेटिव साइन यहां से हो जाएगा तो 1/ माइनस एक्स हो जाएगा, नेगेटिव साइन तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1/2, ये 1/20 और नेगेटिव साइन, अब इधर गया तो 1/x इज इक्वल टू माइनस 1/20 प्लस 3/40
यहाँ से अगर निकालें तो आ जाएगा 120 LCM, और यहाँ पे 120 बाय 8, 15 टाइम्स में पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये 15 सेंटीमीटर आ गया आपका आंसर पार्ट वन का। इसके बी पार्ट को, तो बी पार्ट में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसके जो कनकेव पार्ट है उसमें हम क्या किए, वाटर फिल कर दिए। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन वही है कि इमेज जो बने कितना डिस्टेंस पे रखें, और भी किससे डिस्टेंस चाहिए, इस लेंस से कितना डिस्टेंस पे रखें कि उसका इमेज जो है वहीं पे बने जहां पे ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन वही कह रहा है, और इसमें हम क्या किए, ये कनकेव वाले पार्ट में हम वाटर फिल कर दिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है 4/3। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि अब आपको दो बार रिफ्रैक्शन करवाना पड़ेगा, एक तो वाटर से रिफ्रैक्शन करवाना पड़ेगा और दूसरा फिर कनकेव लेंस से भी रिफ्रैक्शन करवाना पड़ेगा। पहला पार्ट था जिसका आंसर 15 सेंटीमीटर आया वो इजी था, अब ध्यान से देखिए, अब दो बार रिफ्रैक्शन करवाएंगे तो जो सेकेंड बार का रिफ्रैक्शन होगा उसको हम किसी तरह इमेज बनाएंगे, वो उसके कहां पे बना देंगे, सेंटर पे बनाएंगे इसके कनकेव मिरर के। तो पहला बार रिफ्रैक्शन जब हम करवाएंगे, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू थ्रू सरफेस ए टी नाम दिए थे, ए टी बी, इससे हम रिफ्रैक्शन करवाएंगे। फिर फॉर्मूला लिखेंगे μ2/B - μ1/U डेट इज इक्वल टू μ2 - μ1 बाय आर। अब प्लेन मिरर के लिए आर के केस में तो ये इन्फिनिटी हो जाता है प्लेन मिरर के लिए, क्योंकि ये जो है ये सरफेस वाटर का सरफेस प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा, प्लेन मिरर का जो रेडियस होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो म्यू टू समझिए कि वाटर का 4/3। इमेज कहाँ बनेगा, आई डोंट नो, इमेज ही तो निकालना है। और समझिए कि म्यू वन वन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इस केस में हम ले लेते हैं एक्स, एक्स समझिए कि यहां पे हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहां पे एक्स सेंटीमीटर दूर, तो -x, और ये जो हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि म्यू टू है आपका 4/3 माइनस म्यू वन वन अपॉन इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो यहां से एक अननोन बचा वो 1/x। तो यहां से इमेज जो बना है, इमेज प्लेन मिरर है, तो इमेज कहां बनेगा, तो एक्स के टर्म में हमारा आ गया आपका वी, यहां से निकालेंगे वो भी एक्स के टर्म में, तो यहां से आ जाएगा 4/3 v + 1/x इज इक्वल टू 0। सो यहां से एक ही अननोन है एक्स निकाल लेते हैं, 1/x इज इक्वल टू -4/3 v, तो यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3/4 v, और वो भी निगेटिव साइन। तो यहां से अगर v निकाल लें, v आ जाएगा आपका 4x/3, अब वो भी निगेटिव, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही। तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन करवाएं। अब हम फिर सेकेंड रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन में हमको क्या मिला, v का वैल्यू, v क्या आया 3/4, 4/3, ये आप गया -4/3, यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं आपका क्या आ गया, म्यू एक्स आया, और निगेटिव ये कह रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इसका इमेज बना। इमेज क्या बना, पहला रिफ्रैक्शन करवाएं इस ए ओ बी से, ए ए इसको ओ नहीं, ए टी टी है, इस पॉइंट को टी ले लेते हैं, ए टी बी से करवाएं और उसका इमेज बना -4/3। इसको 4/3 क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो तो आप डायरेक्टली भी समझ सकते थे। अब ध्यान से देखिए, फिर इसका एक इमेज बनेगा, फाइनल इमेज। अब फाइनल इमेज कहां बनाएंगे, ये तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ, अब रिफ्रैक्शन करवाएंगे ए, इस पॉइंट को ओ नाम दिए, ए ओ बी से,
क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है। अब है करवाएंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ओ बी, या लिख लीजिए कनकेव, कनकेव लेंस। अब रिफ्रैक्शन करवाएंगे कनकेव लेंस लेंस से। अब लिखेंगे म्यू टू बाई बी, और इसमें क्या है, अब जो इमेज बनाएंगे वो कनकेव मिरर के सेंटर पे बनाएंगे। यहाँ म्यू वन बाई यू डेट इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय कैपिटल आर। अब इसमें पुट कर दीजिए और आपका वैल्यू आ जाएगा। बहुत कंसेप्चुअल है। अब ध्यान से देखिए, इस म्यू टू क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए म्यू वन तो ये हो जाएगा ना, क्योंकि लाइट जो पड़ेगा यहां से आएगा, तो म्यू टू हो जाएगा आपका 3/2, उसी को 1.5 है बाय बी, और यहां म्यू वन हो जाएगा 4/3। यू यू हम पहले निकाल चुके हैं, जो इसका इमेज बनेगा फर्स्ट रिफ्रैक्शन वो दूसरे के लिए इमेज की तरह काम करेगा। क्या आया, माइनस माइनस 4/3 एक्स। ये हम क्या लिखे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखे, और ऑब्जेक्ट जिधर है नेगेटिव साइन भी साइन के साथ हम लिखे हैं, तो माइनस 4/3 एक्स दैट इज इक्वल टू म्यू टू। म्यू टू है आपका, यहां से म्यू टू माइनस म्यू वन निकालिएगा तो आएगा म्यू टू है आपका 3/2 माइनस 4/3 बाय आर। आर किसका, किसका आर, कनकेव मिरर, क्योंकि रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं, तो आर किसका होगा, कनकेव लेंस का होगा। लेंस का कितना है आपका 60 नेगेटिव साइन। अब यहां से एक ही अननोन है वहां, और उसका इमेज कहां पे बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, ये इमेज फाइनल इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कनकेव मिरर। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर यानी रेडियस यहां से आपका 20 दे दिया, तो ये आपका 20 हो जाएगा। 20 इस साइड होगा सेंटर, सेंटर इधर ही होगा, तो निगेटिव साइन। तो यहां पे बी के जगह पे हम लिख देंगे माइनस 20 सेंटीमीटर। अब एक ही अननोन बचा है, वो है आपका एक्स, हम निकाल लीजिए, तो यहां से आ जाएगा 3/-40, और ये हो जाएगा 4/3 से 4/3 कैंसिल, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो 1/x हो जाएगा ये हैप्पीली, दिस इज द 1/x, यू विल गेट 1/6, तो 1/6 यहां से आएगा, तो 1/36 यहां से आ जाएगा, और एक ही अननोन बचा है 1/x, तो यहां से आ जाएगा 1/36 प्लस 3/40। अब यहां से अगर थोड़ा सा इसको इजी कीजिए तो आ जाएगा आपका माइनस 1 यहां से आपका आ जाएगा 27, तो यहां से आपका आ जाएगा एक रिजल्ट, वही आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो यहां से x का जो वैल्यू है वही आपका रिजल्ट हो जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा x का वैल्यू, क्या आ गया, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 360/26। निगेटिव साइन ये कह रहा है इतना सेंटीमीटर में है, और ये हम ले रहे हैं यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो आपको डिस्टेंस अगर यहां से चाहिए तो अलग अलग जगह से अलग अलग आंसर हो सकता है। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 180/13, तो यहां से आपका आ जाएगा एक बार, हाँ तो यहां से आ जाएगा, यहां से आप ले रहे हैं डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका म्यू एक्स हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ गया और म्यू एक्स, तो अलग अलग जगह से ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं इससे ऊपर से, तो अलग अलग जगह से ये आया है। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसको हम इस पूरे लेक्चर में इसी इस टाइप के क्वेश्चन को हम कवर अप किए। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो बाय बाय, टेक केयर।